तो आज मैं उनकी ये रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद नूरी। आज मैं अपने एक व्यूअर जिनके चैनल का नाम शाहिदुल इस्लाम पोएट्री है, उनकी रिक्वेस्ट पे ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे ब्रेड ऑमलेट की रेसिपी शेयर करें, तो आज मैं उनकी ये रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ। रमज़ान आने को है, रमज़ान में बच्चे अक्सर सहरी में कुछ खाना पसंद नहीं करते, पर अगर आप उन्हें इस तरह से कुछ इनोवेटिव और अलग बना कर देते हो तो वो इसे मज़े से खा लेते हैं, जिससे उन्हें नरिशमेंट भी मिलेगा। तो बिना वक्त ज़ाया करे शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी, जिसका नाम है चीज़ी ब्रेड ऑमलेट। एक बोल में हम 3 अंडे ले लेंगे, 2 अंडों को हम अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि अच्छे से फ्लफी हो जाए। 1 अंडों को मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, फिर 1 चम्मच जिंजर और गार्लिक पेस्ट, हाफ टी स्पून क्रश रेड चिली। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली और रेड चिली की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लें। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून हल्दी, फिर हम इसमें डालेंगे फाइनली चॉप ऑनियन, फाइनली चॉप टोमेटोस, थोड़ी सी ग्रीन चिली जिसे मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है, एंड हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच बटर ऐड करेंगे, अब हम इसमें अंडा डाल देंगे, अब हम 2 ब्रेड स्लाइसेस ले लेंगे, इसे इस तरह से रख देंगे, फिर हम इसके ऊपर ये ग्रीन चटनी अप्लाई करेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन, जीरा, नमक और 1 चम्मच दही डाल के पीस लिया और इस तरह की चटनी, हरी चटनी तैयार कर ली। ये आप जब भी सैंडविच बनाएंगे तो इसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप इसे ज़्यादा बना के रख दें ताकि सैंडविच बनाने के टाइम पे ये काम आए। इसे हम ब्रेड पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। मैंने दोनों ब्रेड पे अच्छे से हरी चटनी लगा दी है। अब हम इस पे चीज़ स्लाइस रख देंगे। आप चाहे तो इस पे चेडर चीज़, मोजरेला चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हैं या फिर चीज़ स्लाइस भी रख सकते हैं। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे, बहुत ही केयरफुली हमें ये करना है। हम इसे अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से एक दूसरे से बाइंडिंग हो जाए, सैंडविच के फॉर्म में आ जाए। अब इस तरह से बच्चों को बना के देंगे तो बच्चे बहुत ही खुशी खुशी खाएंगे, उनको ऐसा लगेगा कि कुछ अलग चीज़ आपने उनको बना के दी है। हम इसे एक बार फिर से इस तरफ से फ्लिप कर देंगे। ये रेडी हो गया है, तो अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। रेडी है हमारा चीज़ी एंड यमी चीज़ ब्रेड ऑमलेट। इसे बनाना बहुत ही आसान है,
आप इसे बनाकर बच्चों को ब्रेकफास्ट में, टिफिन में या इवनिंग स्नैक्स में दे सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।